हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बेसिक क्लास में। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं एक बार फिर से आपके में सर टीचर लेकर आ गई हूँ आपके लिए आपका मैथ्स का लेक्चर, वीडियो लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने मैथ्स का वीडियो लेक्चर जो पढ़ा था वो ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी। अब मैं आपको ये आपका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है जो कि आपके लेसन टू का है और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो हम इसे पेपर पेपर पे सॉल्व करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को। तो हमें ये किस तरीके से सॉल्व करना है मैं अभी यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बुक है, क्या प्रॉब्लम दिया है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है पहले बुक में देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.3, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि रेखा एल खींचो, उस रेखा के वह बिंदु ए लो लें और बिंदु ए से जाने वाली रेखा एल के समांतर रेखा खींचिए। यानी कि हमें एक लाइन रेखा ए एल खींचनी है, उसके भाग में एक बिंदु ए लेना है और उससे जाने वाली समांतर रेखा खींचनी है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में, कि किस तरीके से जो है किसी भी एक लाइन के जो है पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखा खींचते हैं। तो यही प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो चलो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्केल ले लेंगे जिससे कि आपका एकदम बराबर रेखा खींच सकें आप। तो स्केल से मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींच ली जिसमें प्रॉब्लम में दिया है कि एल लाइन खींचनी है, तो इसका नाम हमने एल रख दिया। एल लाइन खींच लिया, उसके वाई बिंदु ए ले, इसके बाहर कोई भी कहीं पर भी एक बिंदु ए ले ले, ठीक है, जो कि मैंने ले लिया। इसका नाम भी क्या रख दिया, ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बिंदु ए ले लिया। अब इस बिंदु ए से जाने वाली रेखा एल के समांतर, ए से जो जाने वाली रेखा होगी वो एल लाइन की, एल रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। हमें ऐसा करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल पर एक, इस बिंदु से एल पर एक क्या करेंगे, लंब खींचेंगे यानी कि परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। लंब मतलब कि 90° का कोण होता है, तो 90° का कोण, ये 90° का हो गया। आप इसके लिए इस तरीके से ये लंब खींच दें। ये यहाँ पर एक बिंदु हो गया, ये बिंदु का कुछ भी नाम दे दे, सपोज मैंने इसका नाम M दे दिया, ठीक है, M, ठीक है। ये हो गया, ये बिंदु A है, और इसकी इसी लाइन L पर भी कहीं पर भी, चूँकि हमें समांतर रेखा खींचना है और मैंने एक्सप्लेन किया था रचना सोपान कैसे किया जाता है, तो इसी एल लाइन पर कहीं पर भी एक, इससे थोड़ा दूर पर कोई एक और बिंदु ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई बिंदु ले लिया जिसका नाम, ये बिंदु ले लिया जिसका नाम एन रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस बिंदु से भी क्या करेंगे, एक समांतर रेखा, अरे सॉरी, लंबवत रेखा खींचेंगे। ये मैंने खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये बिंदु ए लिया था, जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं लेते समय इसका डिस्टेंस मैंने पता नहीं किया था वो कितना है, बस कुछ भी बिंदु ले लिया था, ऐसा प्रश्न में बोला था। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट क्या है, 3, लगभग 3 के बराबर है। तो सेम इतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक भी एक बिंदु ऐसे यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं को। तो ये जो लाइन बन गई, ये लाइन के क्या हो गई, समांतर। इसका नाम मैंने कुछ रख दिया, मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया यस, ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये जो बिंदु लिया था इसका नाम मैंने कैपिटल बी रख दिया। तो इस तरीके से हमारी रचना हो गई, क्या रचना हो गई, एक लाइन एल ले लिया, इस लाइन एल के समांतर बाह्य भाग में एक बिंदु ए ले लिया, इस बिंदु से होकर जाने वाली एक समांतर रेखा हमें खींचनी थी जो कि मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। तो कितना सिंपल है फ्रेंड्स समांतर रेखा खींचना। तो हम इसे लिखते समय कैसे लिखेंगे, आप देख लीजिए, रेखा एल समांतर, ये सिंबल है समांतर का, पैरेलल लाइन का। तो रेखा एल समांतर है रेखा यस के, बस यही हमें करना था, जो कि हमने ये रचना करके दिखा दिया। तो इस तरीके से हम करेंगे। अगर हमें सारा स्टेप दिखाना होगा, अगर लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, पहला स्टेप रेखा एल खींचा, जो कि ये सारा काम हमने किया है, तो हम लिखेंगे ऐसे। फिर दूसरा, उस रेखा लिखेंगे, उस रेखा के बाह्य भाग
में बिंदु ए लिया, ठीक है, ये सब हमने किया है। जो जो एक रेखा एल खींचा था, इसके वाह भाग में बिंदु ए लिया था, फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या किया था कि बिंदु ए से रेखा एल पर क्या किया था, लंब डाला, यही किया था ना हम लोगों ने। यहाँ पे ए से क्या किया था, रेखा एल पर एक लंब डाला जो कि क्या है, ए एल ए एम हुआ था, सॉरी लंब ए एम, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लंब ए एम डाला, ठीक है, ये हो गया। फिर चौथा पॉइंट हमने क्या किया था, रेखा रेखा एल पर अन्य दूसरा बिंदु एन लिया, यही किया था हमने। इसी लाइन पर क्या किया था, एल लाइन पर दूसरा बिंदु एन लिया था। पांचवा स्टेप क्या था, बिंदु बी से या फिर एन पर बिंदु सॉरी बिंदु एन से रेख बिंदु एन से रेख एन बी रेखा एल पर लंब डाला, इतना काम किया था हम लोगों ने। इसके बाद जो अब देखेंगे कि एन बी जो है एम ए की क्या है, बराबर हो गया, इसको इसको बराबर लिया हम लोगों ने, क्या किया डिस्टेंस क्या क्या नाप लिया और इस दोनों को बराबर ले लिया। और इस तरीके से लास्ट स्टेप क्या है, बिंदु बिंदु ए तथा बिंदु बी से होकर क्या क्या बिंदु ए तथा बिंदु ए से होकर एस खींचा, होकर जाने वाली, सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा, होकर जाने वाली रेखा यस खींचा, ये क्या है हमारा, यह रेखा एल के समांतर रेखा है, एल के समांतर समांतर है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये पूरा स्टेप क्या करेंगे अपनी रचना में, ये पूरा स्टेप लिख कर इस तरीके से दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स कितना सिंपल था हमें ड्रॉ करना। आप देखेंगे हमारा दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आते हैं दूसरे प्रॉब्लम से और फटाफट देखते हैं। यहाँ पे दिखा है, लिखा है रेखा एल खींचिए, उस रेखा के वाह भाग में बिंदु टी ले, बिंदु टी से जाने वाली रेखा एल के समांतर। सिंपल है फ्रेंड्स, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे जैसे एल लाइन खींचना था, इसमें भी एल खींचना, यहाँ पे ए बिंदु लेना था, यहाँ पे बिंदु टी लेना है, और जैसे ए से होकर जाने वाली एल के समांतर रेखा खींचना था, वैसे ही टी से होकर जाने, यानी कि जहाँ पर मैंने ये बिंदु ए प्रॉब्लम में दिया है, यहाँ पर बस टी करना है। और इस तरीके से हमें क्या करना है, सेम ऐसा का ऐसा क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, दूसरा प्रॉब्लम आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपकी लाइन पैरेलल खींची गई कि नहीं खींची गई। अगर कोई कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन या डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिए। चलिए फ्रेंड्स दूसरा प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, तो आते हैं थर्ड प्रॉब्लम पे। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा सॉल्व करते हैं। तो दिया है रेखा एम से इस रेखा से एम 4 सेमी की दूरी पर रहने वाली समांतर रेखा एन खींची। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या, इसके पहले जो हमें समांतर रेखा खींचना था उसके बीच की दूरी नहीं दी गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी हमें जो खींचना है रेखा एम मान लीजिए कि उसके बीच की हमें एक दूरी करनी है। तो एम की तो डिस्टेंस बताया नहीं कि कितने सेंटीमीटर है, तो एम हमने कितना भी सेंटीमीटर का खींच लिया, लेकिन क्या करना है, यहाँ पर हम एक बिंदु कहीं पर भी ले लेते हैं और इस तरीके से इस बिंदु को मिला देते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया, मान लीजिए पी रख दिया, और यहाँ पे जहाँ पे ये लंबवत जो रेखा खींची है पी, इस बिंदु का नाम पी, और यहाँ पे कुछ भी रख दिया, ये यस रख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दूसरा बिंदु ले लिया जिसका नाम टी रख दिया, और ऐसे ही कोई एक और जो है इसको भी ऐसे मिला दिया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हमें लंबवत रेखा खींचनी है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से यहाँ तक
ये सॉरी हमें ये बिंदु अभी लेना ही नहीं है, हमें ऐसे ही लाइन दो लंबवत लाइन खींच लेनी है और लाइन किसी भी दूरी पर इसका नाम दे देना है। फिर यहाँ से यहाँ तक हमें ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसकी और इस सेम ऐसे ही 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे दो बिंदु मिलाना है और इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से मिला देना है ताकि इसके बीच की जो इसकी बीच की दूरी कितना हो, 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर हो। इसका भी कोई नाम दे देंगे, इसका नाम मान लीजिए पी दे दिया और इसका नाम क्यू दे दिया, और ये जो समांतर रेखा है उसका नाम बुक में दिया हुआ है एन खींचना है, तो इस तरीके से इसका नाम क्या दे दिया, एन दे दिया। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि एक एक लाइन लेनी है, एम लेनी है, उस लाइन पर एक बिंदु यस लेकर उससे क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी है और उसी तरह उस लंबवत लाइन खींचनी है, उसी तरह दूसरे कुछ दूरी पर दूसरा बिंदु टी लेकर एक लंबवत लाइन खींच लेनी है। लेकिन इस लाइन को हम क्या करेंगे, कंपास से या फिर प्रकार से भी क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके ऐसे आर्क भी लगा सकते हैं। आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इस यहाँ पर भी आर्क लगाने के बाद क्या करेंगे, इस लाइन को भी मिला सकते हैं या फिर इस तरीके से स्केल से हम क्या करेंगे, नाप कर जो है पॉइंट पर मार्क लगा कर हम इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हम 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या करेंगे, समांतर रेखा एम और एन खींचेंगे। तो हम इसको लिख देंगे कि रेखा एम जो है वो पैरेलल है रेखा एन के, और सारा स्टेप जो है जैसे मैंने इसके पहले लिख कर आपको बताया था उस तरीके से लिख लिख कर सारा स्टेप हम जो है बता देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जैसे एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको वो सारा इजी वे में समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएँ ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ये मेरा आज का वीडियो ख़त्म होता है, तो मैं अगले वीडियो लेकर फिर जल्दी ही आती हूँ। आज का ये हमारा लेक्चर जो है सेकेंड लेसन का लास्ट लेक्चर था, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेसन का स्टार्ट होगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।